Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read third class. The lesson name is paragraph writing. यानी कि आपको group of sentence काफ़ी सारे sentence दिए जाएंगे और या फिर कुछ picture दी जाएगी उसके base पे आपको क्या करने है कि उससे related जो कुछ भी है वो आप लिखोगे only single paragraph में. ये नहीं कि आप चेंज करते रहोगे. पैराग्राफ मींस स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक पैसेज, एक पैरा बनाओगे. पैराग्राफ क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक इज कॉल्ड अ पैराग्राफ. यानी कि जिस टॉपिक पे आपने स्टार्ट किया उससे रिलेटेड ही आपके जितने भी सेंटेंस हो गए सिर्फ उससे रिलेटेड हो गए. आप यानी कि टॉपिक चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने जैसे माई बेस्ट फ्रेंड पर स्टार्ट किया तो आप माई बेस्ट फ्रेंड की ही सब कुछ वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे. द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इज नोन एज द टाइटल. और जिस चीज़ पे आप लिखोगे सबसे पहले उसको आप टाइटल दोगे. टाइटल जो कुछ जिस चीज़ पे भी आप राइट करना चाहते हो वो आप फर्स्ट पे लिख दोगे. जैसे माई बेस्ट फ्रेंड है या फिर माई पेट है, माई मदर है, माई फादर है, माई फेवरेट टीचर है, माई बुक है, पोइट है, कुछ भी है. कोई आप फेस्टिवल ले सकते हो, कोई प्लेस पर ले सकते हो, उसको आप टाइटल दोगे और उसकी ही जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लास्ट सेंटेंस तक आप उसको दोगे. जैसे फर्स्ट में है माय बेस्ट फ्रेंड दिया तो माय बेस्ट फ्रेंड की जो हैबिट्स हैं वो आप दोगे. जो चीज़ वो लाइक करता है, जो डिसलाइक करता है, उसका नेम है, उसकी क्वालिफिकेशन है, वो डेली वेज में क्या करता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो सब आप वहाँ पर लिखोगे. ऐसे जैसे नेक्स्ट जैसे आप इन्होंने दिया है आयुष माई बेस्ट फ्रेंड, बी आयुष से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही स्टडीज़ विद मी, वह मेरे साथ पढ़ता है, ही इज़ टॉलर दैन मी, आई एम नी मी आएगा यहाँ पे, ही इज़ टॉलर दैन मी, वह मेरे से लंबा है, ही ऑलवेज हेल्प मी, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी. यानी कि यहाँ पे क्या है कि हर सेंटेंस में किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, माई बेस्ट फ्रेंड की, जो ऐसे आयुष की, वी बोथ प्ले टुगेदर, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, आयुष डज नॉट लाइक द बॉयज हु मेक नॉइस इन द क्लास बिकॉज इट इज़ हिज ड्यूटी टू कीप द क्लास क्वाइट. हर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जैसे वी बोथ मेक अ ग्रेट पेयर, फर्स्ट सेंटेंस से लेकर फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक क्या है कि उसकी ही इंफॉर्मेशन है. वो क्या है, क्या नहीं, क्या करता है, कैसा है, सब कुछ है, उसका नेचर है, उसकी हैबिट्स हैं, उसके लाइक डिसलाइक, वो सब कुछ यहाँ पे. जैसे नेक्स्ट पिक्चर दी आपको एक डॉगी है तो डॉगी को आप माई फेवरेट डॉगी दे सकते हो या फिर माई पेट, कुछ भी इसका टाइटल दे सकते हो. और उसके बाद आप जैसे आइडियाज निकले उसमें से, क्या यूजफुल होता है, फेथफुल होता है, प्लेफुल है, लर्न्स क्विकली, डिफरेंट ब्रीड्स, स्ट्रे डॉग्स, उसका कलर दे सकते हो, उसका जो नेचर है वो कैसा है, कैसे वो सिट करता है, कैसे खाना खाता है, कितना खाता है, कैसे वो आपकी ड्यूटी फुलफिल करता है, कैसे हमारे प्रति वो फेथफुल है, वो सब चीज़ें आप इसके फर्स्ट सेंटेंस से लेके लास्ट सेंटेंस तक वहाँ पर लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा पैराग्राफ. जैसे नेक्स्ट इन्होंने दिया माई फेवरेट एनिमल, ये आप रीड कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. जैसे माई फेवरेट एनिमल है जो उससे रिलेटेड ही सब कुछ यहाँ पे मिलेगा. नेक्स्ट है जैसे माई एम इन लाइफ, आपका लाइफ में क्या एम है, वो चीज़ आप यहाँ पर फर्स्ट से लेके लास्ट तक बोलोगे. नेक्स्ट है द रिसेस पीरियड, जैसे आपके स्कूल में डेली रिसेस पीरियड होते हैं तो कितने टाइम का होता है, कैसे आप उसकी वेट करते हो, फिर उसमें क्या करते हो, कैसे उस टाइम को मैनेज करते हो, वो सब कुछ यहाँ पे आप राइट कर सकते हो. जैसे पोल्यूशन है, सबसे फर्स्ट आप बोलोगे पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ से बनता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें राइट कर सकते हो. नाउ वी डिस्कस योर होमवर्क. जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको पिक्चर से आइडिया आ जाएगा क्या है. अ विजिट टू अ सर्कस, सर्कस में आप गए, वहाँ पे क्या देखा, कब गए, कब आए, किसके साथ गए, क्या कुछ था वहाँ पे, जैसे क्लाउन्स होते हैं, गेम्स हुई, साइकिल पे जैसे गर्ल्स चलती हैं, एनिमल थे वहाँ पे, तो उस जहाँ पे आप सर्कस में गए वो उसका नेम क्या था सर्कस का, कैसे वहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, कैसे लोग हंस रहे थे, कैसे वहाँ पे ट्रिकें दिखाई गई थी, वो सब और फायरिंग, ये आप यहाँ पे हिंट देंगे. इन हिंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेंटेंस बना के आप एक 5-6 लाइन का यहाँ पे एक पैसेज राइट कर सकते हो. जैसे नेक्स्ट है माई फैमिली, टुडे वी डिस्कस ओनली ए,
the remaining part of this homework we discuss in next video. So thanks and have a nice day.